भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला पंचायत सदस्य चुनाव में जिले के 68 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। सभी भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जोरों से लगी हुई है। पार्टी प्रत्याशियों और पदाधिकारियों में आपसी सामंजस्य बनाने के उद्देश्य से बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर पंचायत चुनाव वार रूम बनाया गया है, जिसका उद्घाटन शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह द्वारा फीता काटकर एवं नारियल कर किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, विश्व जिशांशु सिंह आशु सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव में प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने तथा प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से वार रूम खोला गया है, जिसे पार्टी प्रत्याशियों से संवाद स्थापित कर उन्हें सरकार की योजनाओं से अवगत कर विजयी बनाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, विवेकानंद जी आपके आपके जो महामंत्री हैं ये आपके उस साइड आ जाते हैं, उधर महामंत्री में किसान लड़ रहा भेजिए, पंचायत का संयोजक अभी तुरंत बदलना पड़ेगा तुरंत, और अगर किसी महामंत्री को चुनाव लड़ा तो तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के वार रूम का शुभारंभ हुआ है। वैसे हमारे आईटी और सोशल मीडिया के लोग पहले से भी काम कर रहे हैं, लेकिन आज से विधिवत गोरखपुर क्षेत्र के सभी 526 विधान जो हमारे वार्ड हैं जिला पंचायत के, उनके दृष्टि से हमारे जो संगठन के 12 जिले हैं, पहले राउंड में जो गोरखपुर और संत कबीर नगर के पहले चरण में चुनाव हैं और दूसरे चरण में महाराजगंज और आजमगढ़ के चुनाव हैं, इन विशेषकर दो चरणों को ध्यान में रखते हुए ये गोरखपुर क्षेत्र का जो आईटी और सोशल मीडिया का काम है आज से प्रारंभ हुआ है। और हम प्रयास करेंगे कि गोरखपुर क्षेत्र के हमारे जो ज़िले हैं उन ज़िलों में जो हमारे मंडल के प्रभारी हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, मंडल के महामंत्री हैं, हमारे वार्ड के संयोजक हैं, वार्ड के प्रभारी हैं और हमारे ऊपर के जो जनप्रतिनिधिगण हैं, सांसद, विधायक, MLC, विधान परिषद के सदस्य, आयोग बोर्डों के जो सदस्य उपाध्यक्ष हैं, उन सब लोगों को IT विभाग से यहाँ हम सोशल मीडिया के माध्यम से कॉलिंग करा करके नीचे तक एक्टिवेट कराने का काम इस वार रूम से होगा। और इसी प्रकार सभी जनपदों में भी एक कॉलिंग की व्यवस्था की गई है, जो नीचे तक अपने वार्ड में जो प्रभारी संयोजक हैं, वार्ड के जो हमारे ग्राम पंचायत तक, ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, वहाँ तक कॉलिंग करके एक्टिवेट करना। और जब जिला में हम एक्टिवेट करेंगे तो उसी प्रकार हमारे जितने 526 वार्ड हैं उन सभी वार्डों में एक टोली बनाई गई है, उस टोली को नीचे तक एक्टिवेट करके हमारी जो बूथ समिति है उसको एक्टिवेट करने का काम इस वार रूम से होगा। यानी पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस पंचायत चुनाव में लगाना है और उसके दृष्टि से ये वार रूम एक महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस की जिस प्रकार से खतरनाक स्थिति आ रही है, जिस प्रकार से हम बड़ी बड़ी सभाएं नहीं कर सकते हैं, लोगों के बीच में से 144 लागू होने के नाते संवाद नहीं कर सकते हैं, तो हम डोर टू डोर कन्वेंसिंग और दूसरा अधिक से अधिक लोगों को हम अपना संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्लेटफार्म का उपयोग करके करेंगे। इसके दृष्टि से गोरखपुर क्षेत्र के वार रूम का आज विधिवत शुभारंभ किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लिया है। जहां केंद्र में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार चल रही है,
वहीं जनता ने मन बना लिया है इस बार हम पंचायत के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की पंचायत में सरकार बनाएंगे, और इसके लिए पंचायत चुनाव को बेहतर संयोजन के लिए आज भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र कार्यालय पर हमने एक वार रूम का उद्घाटन किया है, जहां हम नीचे तक पूरी भारतीय जनता पार्टी को बूथ इकाई से लेकर के ऊपर तक सबको कॉलिंग करा करके मैसेज दे करके अपनी सरकार को उपलब्धियों को नीचे तक भेज करके एक बेहतर संयोजन कर सकें, उसके दृष्टि से आज पार्टी कार्यालय पर वार रूम का उद्घाटन किया है।